अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 पाक स्टडी इन इंग्लिश लेक्चर नंबर 25 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यूनिट नंबर 7 एंड इन दिस पार्ट यू विल रीड द रिमेनिंग 3 पॉइंट ऑफ दैट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 लेट्स अ पॉइंट नंबर 2 3 एंड 4 लुक एट हियर This is, we have read this first one point, electricity in the first two part of that lecture number 25. And now in part 3, we will read that, we will start that from point number 2, natural gas, kudarti gas. According to the economic survey, ke mutabik, of Pakistan ke 2011 to 2012, the daily average production, ke rozana ki jo ost paidawar thi, पैदावार है नेचुरल गैस कुदरती गैस की पाकिस्तान में ये है 4000 मिलियन क्यूबिक मीटर है एंड दिस मीट और ये पूरा करती है मोर देन 40.3% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट तोानाई की ज़रूरत को ऑफ द कंट्री मुल्क की जो जिससे जो है मुल्क की ज़रूरत का तकरीबन 40.3% हिस्सा जो है वो पूरा होता है इट इज़ एन एक्सट्रीमली चीप ये बहुत ज़्यादा सस्ती है एंड क्लीन और साफ़ सुथरा सोर्स जरिया है ऑफ एनर्जी पैदा करने का इट इज़ एक्सीलेंट और ये शानदार अल्टरनेटिव मुतबादिल है टू कोल का एंड पेट्रोलियम का और कुदरती गैस जो है इट इज़ एन एक्सीलेंट अल्टरनेटिव टू कोल एंड पेट्रोलियम कि कोयले और ये पेट्रोलियम का मुतबादिल है शानदार बिसाइड्स डोमेस्टिक यूज़ घरेलू इस्तेमाल के अलावा नेचुरल गैस कुदरती गैस इज़ ऑल्सो यूज भी इस्तेमाल होती है इन यूरिया मीन खाद बनाने में रीऑनरेशन नमा जो चीज़ है वो बनाने में प्लास्टिक बनाने में एंड मैनी अदर इंडस्ट्रीज और दूसरी सनतों में एज रॉ मटेरियल खाम माल के तौर पर एज वेल भी कि खाम माल के तौर पर दूसरी भी सनतों में इनको इस्तेमाल किया जाता है गैस को द लार्जेस्ट रिजर्व्स मीन बड़े जखायर जो हैं रिजर्व्स मीन जखायर कुदरती गैस के दे आर फाउंड इन सुई के मुकाम पर पाए जाते हैं गैस के बड़े जखायर किसके मुकाम पर पाए जाते हैं सुई के मुकाम पर विच वर डिस्कवर्ड जिनको दरियाफ्त किया गया था 1952 में 1952 में इनको डिस्कवर किया गया सम रिजर्व्स कुछ जो जखायर हैं नेचुरल गैस के दे कैन बी फाउंड वो पाए जा सकते हैं इन साउदर्न एंड नॉर्दर्न सिंध के जनूबी और शुमाली सिंध में वो पाए जाते हैं बिसाइड्स दिस इसके अलावा दिस बिसाइड दिस सम गैसेस ऑब्टेन कुछ गैस जो है वो ऑब्टेन हासिल की जाती है फ्रॉम पोठोआर से विच इज़ इन पंजाब जो कि पंजाब में है इन पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेट रिजर्व जो ज़खायर हैं नेचुरल गैस के आर 29.671 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है वो ज़खायर जो है कितनी गहरे हैं 29.671 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है एंड बिलो इट इज़ गिवन द टेबल रिलेटेड टू दैट नेचुरल गैस एंड नंबर थ्री पॉइंट जो इसका है इट इज़ द पेट्रोलियम जो कि है पेट्रोलियम एंड अकॉर्डिंग टू द इकतसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इन 2013 और 2014 में जो सर्वे किया गया था पाकिस्तान में उसके मुताबिक द डेली एवरेज प्रोडक्शन रोज़ाना की जो औसत पैदावार है ऑफ पेट्रोलियम की इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली वो तकरीबन है 66,000 बैरल है द ऑयल एंड द गैस डेवलपमेंट कंपनी कि ऑयल और गैस डेवलपमेंट जो कंपनी है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड इसका एब्रिविएशन दिया गया है साथ इट वाज एस्टेब्लिश्ड इसको कायम किया गया था 1961 में इट टू एक्सप्लोर ऑयल किसके लिए इसको कायम किया गया था दरियाफ्त करने के लिए दरियाफ्त करने के लिए तेल को और गैस को पाकिस्तान में इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया था पेट्रोलियम इज़ अ वेरी बिग सोर्स कि पेट्रोलियम जो है इज़ अ वेरी बिग सोर्स बहुत बड़ा जरिया है एनर्जी का एंड 37% ऑफ द नेशनल एनर्जी और जो 35% जो कौमी एनर्जी की कई ज़रूरियात हैं आर मेट वो पूरी की जाती हैं बाय पेट्रोलियम से कि कौमी ज़रूरत का जो 35% हिस्सा है तवानाई को वो किससे पूरा किया जाता है पेट्रोलियम से
द जियोग्राफिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन जो ज़मीनी कंडीशन, जो हालत है पाकिस्तान की ज़मीन की, जो हालात हैं या जो हालत है उसकी, आर द प्रूफ वो सबूत हैं डेट देर आर वास्ट प्रॉस्पेक्ट्स के वहाँ पे बहुत ज़्यादा वसी तवक्को की जाती है, और प्रेजेंट मौजूदगी की पेट्रोलियम की मौजूदगी की तवक्को की जाती है। देर आर मोर देन 90 ऑयल फील्ड्स के वहाँ पे तकरीबन 90 से ज़्यादा ऑयल फील्ड्स हैं पाकिस्तान में। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन लोअर सिंध, और ज़्यादातर ये फील्ड्स से शोबे वाक़ हैं, लोकेटेड वाक़ हैं लोअर सिंध में एंड पोटो और प्लेचो में ये वाक़ हैं। नंबर फोर इज़ द कोयला। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013 और 14 के एक पाकिस्तान में इक्तसादी सर्वे के दौरान 2013 से 14 तक द पर एनम प्रोडक्शन के सालाना जो पैदावार है कोल की, इट इज़ 4000 मेट्रिक टन है। कोल इज़ अ चीप फ्यूल, कोल जो है बहुत ही सस्ता ईंधन है, फ्यूल मीन ईंधन है। इट्स अप्रॉक्सीमेट रिजर्व्स इन, इसके तकरीबन जो ज़खायर हैं वो पाकिस्तान में हैं, एंड हैव बीन एस्टिमेटेड, उनका अंदाज़ा लगाया गया है एट मोर देन 186 बिलियन टनस हैं। इसके ज़खायर जो पाकिस्तान में हैं वो तकरीबन कितने बिलियन टन हैं, 186 बिलियन टनस हैं। कोल रिजर्व्स के, कोयले के जो ज़खायर हैं, दे आर लोकेटेड इन बलोचिस्तान, वो वाक़िया हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, बलोचिस्तान में, पोठोवार में एंड साउदर्न सिंध में, और जनूबी सिंध में इसके ज़खायर पाए जाते हैं। थर इन सिंध के, थर जो कि सिंध में है, हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिज़र्व, वहाँ पर कोयले का सबसे बड़े से जो ज़खायर हैं वो पाए जाते हैं पाकिस्तान में। एंड ब्लू इज गिवन द टेबल रिलेटेड टू दिस कोल, अप टू हियर इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 3 and 4। सो दिस कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर 3 and 4, दिस टू क्वेश्चन विच द आंसर ऑफ विच इज़ द सेम, यू आर टू लर्न द कम्प्लीट क्वेश्चन बाई हार्ट इन क्लास।